आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि हम पहले भाव यानी कि लगन के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगन से हमारा जो शरीर होता है, हमारी सेहत होती है, उसके संबंध में हम जान सकते हैं। और लगन कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। और यदि कोई बीमार हो, सीरियस हो, हॉस्पिटलाइज हो, वेंटिलेटर पर हो, या किसी की दुर्घटना हो गई हो, और तब यदि ऐसे जातक का हमारे पास चार्ट आता है, तो किस प्रकार से हम लगन को देखते हैं, मारक और बाधक भावों को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें किस प्रकार से देखना चाहिए उसके संबंध में हम समझते हैं। जैसा कि हमारी काल पुरुष कुंडली में मेष, वृषभ, मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 प्रकार के लगन होते हैं। हमारे पास कौन सा चार्ट आया है ये पहले हम देखेंगे। क्या मेष लगन का आया है, क्या वृषभ का आया है, या क्या तुला का आया है, या क्या मकर का आया है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि लगन कौन सा है। देखिए, लगन जो है 3 प्रकार के होते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर लगन, स्थिर लगन द्विस्वभाव लगन, 3 प्रकार के लगन होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यदि हम देखें तो मेष, चर, वृषभ, स्थिर, मिथुन लगन द्विस्वभाव, करक चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव, मकर चर, कुंभ स्थिर और मीन द्विस्वभाव। तो यदि इसको देखें, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इनका यदि राशि अंक लगन में आए तो चर लगन की कुंडली है। जैसे मान लीजिए मेष आ जाए लगन में, चाहे करक आ जाए, चाहे तुला आ जाए, चाहे मकर आ जाए, तो ये है चर लगन की कुंडलियां। यदि स्थिर लगन की कुंडली यदि आ जाए तो उसको हम इस प्रकार से देखेंगे। यदि वृषभ आ जाए, सिंह आ जाए, वृश्चिक आ जाए या कुंभ आ जाए, ये स्थिर लगन की कुंडलियां हैं। और द्विस्वभाव की जो कुंडलियां होती हैं वो बुध की और गुरु की जो लगन होते हैं वो द्विस्वभाव होते हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव की हैं। तो ये द्विस्वभाव की हैं। अब यहां पर ध्यान देने योग्य ये है कि लगन कोई भी हो, कुंडली का दूसरा और सातवां भाव ये मारक भाव होते हैं। लगन कोई भी हो, चाहे चर लगन हो, चाहे स्थिर लगन हो, चाहे द्विस्वभाव लगन हो, ये दूसरा और सातवां भाव जो है ये मारक भाव होते हैं। इसके अलावा यदि लगन में चर लगन की कुंडली हो तो 11वां भाव जो है ये बाधक भाव होता है। चर लगन वालों का दूसरा और सातवां मारक और 11वां जो है बाधक। इसी प्रकार से यदि लगन में स्थिर लगन हो, दूसरा और सातवां भाव मारक और 9वां भाव जो होता है वो बाधक होता है। स्थिर लगन वालों का दूसरा, सातवां मारक, 9वां भाव बाधक होता है। इसी प्रकार द्विस्वभाव लगन वालों का दूसरा और सातवां भाव मारक होता है और द्विस्वभाव वालों का सातवां भाव ही बाधक भी होता है। अब ये जो बाधक भाव हैं ये मारक भावों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जब प्रश्न जीवन और मृत्यु का हो।
कोई हॉस्पिटलाइज हो, किसी के साथ दुर्घटना हो गई हो, या कोई गुमशुदा हो, तो मारक और बाधक भाव यदि एक्टिव हो तब स्थिति जो है वो चिंताजनक होती है। इसके अलावा जैसे कि लगन होता है हमारा, तो लगन के जो को रूलिंग होते हैं यानी कि लगन का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, ये लगन के को रूलिंग है। अब ये जो को रूलिंग है ये मारक और बाधक भावों के कार्येशों, साथ ही छठा भाव रोग का, आठवां भाव जो है घातक होता है, बारहवां भाव जो होता है व्यय परेशानी खर्च का होता है, अस्पताल का होता है, तो छठा भाव रोग, आठवां भाव जो है घातक, बारहवां भाव व्यय परेशानी या अस्पताल, इन भावों का कार्येशो। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, या यूं कहें कि जैसे सर्दी का मौसम आया तो उनको जुकाम खांसी वगैरह उनको जल्दी होती है, ठंडा पी लिया तो जल्दी से उनको उसका इफेक्ट होता है, गर्मी में जल्दी उनको गर्मी चढ़ती है, या जैसे हम कहते हैं कि लू लगने का डर होता है, तो उनके उनको जो है कि ये कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर बुखार चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो उनको बुखार जल्दी होता है, तो ऐसे जातकों को ये दिक्कतें हमें जो है दिखाई पड़ती हैं। अब लगन के को रूलिंग, राशि नक्षत्र उप नक्षत्र, मारक और बाधक भावों के कार्येशों, 6, 8, 12 भावों के कार्येशों, तो ऐसे जातक अल्पायु भी होते हैं, छोटी आयु होती है यदि हम दूसरे शब्दों में समझे। अब ऐसे जातकों के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए ऐसे जातकों के लिए अब ये तो साफ तौर पर पता चलता है कि जो लगन है वो पीड़ित है, यानी कि लगन के कोरोलिंग यदि मारक बाधक भावों के साथ 6, 8, 12 भावों के कारेश हैं तो वो कुंडली जो है वो पीड़ित है, जातक का लगन जो है पीड़ित है। तो ऐसे जातकों को क्या परहेज करने चाहिए? उनको सुनसान इलाकों में नहीं जाना चाहिए, उनको नदी नालों में नहीं जाना चाहिए, उनको पहाड़ी स्थानों में बहुत ध्यान से जाना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखने की बात होती है, ये आप सब ध्यान में रखें कि क्योंकि उनका लगन वैसे ही पीड़ित है, तो यदि वो सुनसान इलाकों में जाते हैं तो अनजान लोग उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, जैसे आजकल कई युवतियों के साथ बुरा होता है सुनसान इलाकों में, क्योंकि उनकी जो एक तरह से कुंडली होती है वो पहले ही पीड़ित होती है, आप एक तरह से ये समझ के चलें। तो इसलिए लगन के जो को रूलिंग हैं यदि इस प्रकार से हों तो ऐसे जातकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनको हमेशा उपाय करने चाहिए, हर तरह से उनको अपना जो है लगन को मजबूत करना चाहिए इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा वीडियो, आगे आपको और भी वीडियो दूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।